होली पर हरिओम शुक्ला हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है, जिसमें जमीन विवाद पर चार आरोपियों ने हरिओम शुक्ला की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसका अभी कुछ देर पहले छतरपुर पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया है। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन चौथा आरोपी भाजपा नेता अभी भी फरार है। पुलिस घटना में और भी संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर रही है। पकड़े गए सभी आरोपी पेशेवर अपराधी बताए जा रहे हैं। सभी के नाम पहले भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस मामले पर एसपी अगम जैन ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। छतरपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत महोबा रोड पर एक घटना होली वाले दिन हुई थी, जहां पर एक व्यक्ति हरिओम शुक्ला उसकी कुछ लोगों के द्वारा गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। उस प्रकरण में हमारी टीम ने तत्काल संज्ञान लेकर के अभी तीन लोगों को अरेस्ट कर लिया है। उन तीन लोगों के नाम हैं आकाश यादव, शिवम सोनी और अवधेश प्रताप सिंह उर्फ रासू राजा। तो इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट अभी तक समझ में आया है। आने FIR में चार लोगों के नाम हैं, चार लोगों के नाम आकाश यादव, शिवम सोनी, रासू राजा और अभिषेक परियार, ये चार नाम हैं। आने वाले समय में हमारी टीम पूरी जांच कर रही है, FSL के माध्यम से, साइबर के माध्यम से CCTV फुटेज चेक कर रही है, लोगों से पूछताछ कर रही है। उसके माध्यम से हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में और भी जो आरोपी होंगे, जो इस घटना में रहे होंगे, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और जेल भेजा जाएगा।